माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजना और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम अपने स्प्लिट एंड से रफ बालों को एकदम चुटकी में एकदम सॉफ्ट, हेल्दी, लेंदी और बहुत ज़्यादा शाइनी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो में यानी कि इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस होम रेमेडी को बनाने में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हमें ले लेना है कोकोनट ऑयल, वो भी एलोवेरा वाला। तो मैंने यहाँ पर पैराशूट का कोकोनट ऑयल लिया है जिसमें एलोवेरा के थोड़े से गुण होते हैं। तो आपको अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ही तेल ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरा एक कटा हुआ नींबू निचोड़ा है इस तेल में, यानी कि जो लेमन जूस है उसे अच्छे से स्क्वीज करते हुए निचोड़ते हुए सारा नींबू का रस इस कोकोनट ऑयल में ऐड कर दिया है। पूरा एक नींबू का रस लेना है, चाहे आपके बाल छोटे हों, बड़े हों या मीडियम लेंथ हो, क्योंकि हमारे स्कैल्प का साइज ना ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा हेड भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा छोटा हेड भी नहीं होता। बेसिकली लेमन हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमारे बालों में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भर जाता है। वैसे मेरे बालों में आजकल काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है क्योंकि अभी अभी ठंड का मौसम खत्म हुआ है और ठंड के मौसम में तो डैंड्रफ होना कॉमन सी चीज़ है। एकदम स्मूथ सा ये होम रेमेडी रेडी हो जाएगा सिर्फ नारियल के तेल से और दूसरा लेमन से। तो यहाँ पे पहला स्टेप तो हमने बना लिया है हमारा होम रेमेडी। तो अब दूसरा स्टेप है कि हमें अपने बालों को एकदम टैंगल फ्री करना, यानी कि सारे उलझे हुए बालों को एकदम सुलझा लेना है। आज मैंने अभी अभी हेयर वॉश किया है तो बाल थोड़े से गीले और थोड़े से सूखे हैं। लोग बोलते हैं कि एकदम गीले गीले बालों में तेल नहीं लगाना है। हाँ, एकदम गीले बालों में तेल नहीं लगा सकते, लेकिन बाल इस तरह से कुछ सूख जाए ना, थोड़े थोड़े से हल्के गीले अगर रह जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पीछे से अच्छे तरह से अपने पूरे बालों में अच्छे से जो गुथड़े होते हैं उसको रिमूव कर देना, यानी कि बालों को सुलझा लेना है, फ्रिज फ्री कर देना है। उसके बाद इस बनाई हुई होम रेमेडी को अपने स्कैल्प पे लगाना है। तो धीरे धीरे ना अपने सारे स्कैल्प पे लगा लेना है और अपने फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से मसाज दे देना है। और क्वांटिटी आपको इस होम रेमेडी के अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेनी है। मेरे बाल ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना ही बहुत ज़्यादा लंबे, एकदम मीडियम हेयर लेंथ है। तो मैंने अपने हेयर के अकॉर्डिंग ही इस कोकोनट ऑयल को यूज़ किया है एज अ होम रेमेडी। तो लेमन तो सबसे पहले हमने इसलिए यूज़ किया ताकि हमारे डैंड्रफ जो है आसानी से रिमूव हो जाए। डैंड्रफ कैसे है ना, एकदम ऐसा निकल नहीं जाएगा। अगर आप इसे 3 से 4 बार इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे डैंड्रफ जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके कंघी में ही निकलते आएगा, आप उसे देख भी सकते हैं जब आपके डैंड्रफ निकलेंगे। और तो और कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल के तेल को ना एकदम रामबाण इलाज माना जाता है हमारे बालों के लिए, क्योंकि नारियल के तेल से हमारे हेयर्स काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा एकदम स्ट्रांग होते हैं। एकदम अगर आपको मजबूत बाल चाहिए तो इससे बेस्ट नारियल का तेल तो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग भी सजेशन नहीं दे सकते। वो भी हमेशा कहते हैं कि नहीं, नारियल का तेल लगाओ, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आजकल बहुत सारे ऑयल्स आ गए हैं मार्केट में, एकदम वेरियस ऑयल्स हैं, लेकिन सारे ऑयल्स को ना हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा ऑयल है जो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, इफेक्टिव है और एकदम अफोर्डेबल है। ज़्यादा ना ही आपको प्राइजेस पे करने की ज़रूरत है ना कुछ करना है, सिर्फ आपको नारियल का तेल लाना है और एक नींबू उसमें ऐड करना और अपने बालों पे पूरे स्कैल्प में, पूरे हेड वाले एरिया में अच्छे से ऐसे फिंगर्स की हेल्प से मसाज करना है जैसे मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होता है, ऐसे लगेगा ना कि सारा टेंशन जो है बस खत्म हो गया, एकदम थकान गायब हो जाती है। सारे टेंशन और थकान को दूर करने का भी एकदम रामबाण इलाज है कोकोनट ऑयल से अपने हेड पर मसाज देना। तो अब मैंने यहाँ पे अपने पूरे हेड पर मसाज दे दिया है, यानी कि अपने पूरे स्कैल्प में इस होम रेमेडी को अप्लाई कर लिया है। फिर से मैंने अपने बालों के गुथड़ों को सुलझा लिया, एकदम बालों को अच्छे से फ्रिज फ्री कर दिया है। उसके बाद सेंटर से अपने बालों को दो साइड्स में डिवाइड कर दूंगी। ये ना कॉमन सी चीज़ है, आप सभी को करना, चाहे आपके बाल छोटे हैं, बड़े हैं या फिर मीडियम हेयर लेंथ है। ये वाला एक कॉमन प्रोसीजर है जो आपको करना है, जिससे आपके बाल ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम, एकदम शाइनी शाइनी से बाल भी आपके बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे। जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं ना, एकदम काले लंबे सुनहरे घने बाल एकदम शाइन करते हुए, वैसे ही हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि वीडियो में भी मेरे बाल कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। वीडियो में अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना तो थोड़ा सा बालों में रफनेस है, ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा स्प्लिटेंस है, लेकिन अब आप अगर बालों को देख रहे हैं तो बाल एकदम सुलझे हुए हैं, एकदम क्लीन है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से हो गए और एकदम शाइनी है। कोकोनट ऑयल बालों में शाइन भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। अब बालों को अच्छी तरह से सुलझा कर मैंने सिंपल सी एक चोटी कर ली, यानी कि 3 स्ट्रैंड ब्रेड कर लिया। अब मेरे बाल एकदम आराम से रेस्ट कर सकते हैं, मैं भी सो सकती हूँ और मेरे बालों को भी अच्छा खासा रेस्ट दे सकती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस होम रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। ओके, बाय।